बिलीव है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये उन्होंने अपनी बात करनी और हम अपनी करते, ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं करने देते, वो कहते हैं आप अपनी बात करो भाई, अगर हम कर रहे हैं तो आप अपनी बात कर लो। तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं वहां पर भी और यहाँ पर भी, शायद यहाँ ज्यादा होंगे वहां कम होंगे, वहां पे सिचुएशन शायद बेहतरी की तरफ जा रही क्योंकि ज्यादा अरसे से डेमोक्रेसी चली है और चल रही है कंटिन्यूस, एक जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुए हैं तो शायद ये असरात हैं कि वहां डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बेहतर एक सिस्टम बना है। अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं बन सकी क्योंकि 34-35 साल तक तो डिक्टेटर्स हमारे रहे और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आती है तो उनके ऊपर भी एक डंडा होता है, उनको जिसे कहते हैं कि सख्तियां की जाती हैं, उनको अपने जो फैसले होते हैं उनको नहीं शायद करने दिए जाते, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका जो असर है वो भी हमें नजर आता है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारे दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान आप लोग अगर अपने फैसले आपके पॉलिटिकल लोग करेंगे तो शायद हमारे और आपके बीच में हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके फैसले कहीं और यानी पिंडी में या अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी तो फिर हालात शायद बेहतर नहीं हो सकते। और यही वजह है कि पिछले कई सालों से मजीद खराबी की तरफ गए ना कि बेहतरी की तरफ। इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमें एक बड़े जबरदस्त किस्म के ऑनरेबल गेस्ट, आप सबके तो जाने पहचाने हैं लेकिन डिबेट विद फखर में फर्स्ट टाइम वो आए हैं और सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहूंगा, रामनिक सिंह मान भाई हमारे, मतलब मैंने इनको देखा सुना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, आप लोग भी देखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर खैर मैंने इनका नंबर लेके और इनसे मैंने रब्ता किया और उन्होंने भी मुझे टाइम दे दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मान सिंह भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया डिबेट विद फखर। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, आपका शुक्रिया फखर भाई, आपने बुलाया और बहुत अरसे से मैं देखता हूँ आपको, मैंने सुना आपको कई दफा, तो आई मस्ट कन्फेस यू आर वन ऑफ द सेम वॉइसेस इन पाकिस्तान। एक होता है ना कि बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम के ऊपर चलने वाले आदमी नहीं है आप, एक जरा लकीर के ऊपर चलने वाले आदमी है, प्रिंसिपल है, वो अच्छा लगता है सुनने में। बहुत शुक्रिया, कोशिश यही करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो चीजें हैं उससे मुंह छुपाने से बेहतर है कि उसके ऊपर बंदा बात कर ले तो शायद वो आज नहीं कल नहीं तो परसों शायद कहीं हल की तरफ उसका वो निकल जाए, ना कि मैं उसके ऊपर यही डिनाइल मूड में रहूं कि नहीं यार पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, सारा मसला जो है वो तो हिंदुस्तान में। एज ए हिंदुस्तानी आपने देखा, मतलब दूसरा टेन्योर उनका चल रहा है, क्या समझते हैं कि अब मतलब मोदी ही मोदी है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो है उसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लटा के रख दिया है बीजेपी ने, या क्या नजर आ रहा है आपको? अगर भाई देखिए क्या है कि एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते से, एक हिंदुस्तानी होने के नाते से मैं समझता हूं कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, वो बड़ी अलग है, वो आपके मुल्क से मुख्तलिफ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। अभी आपने टॉयलेट्स की बात करी तो 2014 से पहले कभी मिशन मोड के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया गया, स्वच्छ भारत किसी ने मांगा नहीं था वो दिया गया था, टॉयलेट्स किसी ने मांगे नहीं थे वो दिए गए, सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया गया, बड़ी बड़ी सड़कें बनी साहब हमारे यहाँ पे, और आप हैरत में होंगे कि करीबन 40-45 किलोमीटर हाईवे जो है हमारे यहाँ रोज बन रहा है, हर रोज एट एन एवरेज औसत पे, और उसको बढ़ा के 60 किलोमीटर पर डे का हाईवे का टारगेट है। और अभी ये उससे मुख्तलिफ है जो स्टेट रोड्स बनती हैं और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि जो पेंडू क्षेत्र में, यानी कि जो गांव की तरफ जो सड़कें बनती हैं, कई ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जो अनकनेक्टेड हैं। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क के एक एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे बिजली ना पहुंची। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रोड्स अपग्रेडेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है, अभी एकलव्य स्कूल बनाने की बात हुई, नए सैनिक स्कूल बनाने की बात हुई, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर पीछे फोकस था, मेडिकल स्कूल्स के ऊपर फोकस था, हायर एजुकेशन के ऊपर, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर इतना फोकस है, हेल्थ के ऊपर फोकस है। फकर भाई मैं आपको बताऊं,
कि एक ऑर्डिनरी इंडियन के लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स आए हैं वो 5 लाख रुपए तक के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी 5 लाख रुपए तक का आपका कोई ऑपरेशन इलाज हो तो बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर ये प्रधानमंत्री जन औषधि, यानी कि औषधि से मेरी मुराद है कि दवाई की बात हो रही है, तो बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर जो है सरकारी इदारे से दवाइयां मुहैया की जा रही है बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर, और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है उनके साथ बैठ के भी उनके प्रॉफिट्स को बहुत मेजरली कट किया गया है। इलाज के हवाले से तो जो बाईपास है या जो स्टेंटिंग है, स्टेंटिंग के ऊपर तो रेट्स ही फिक्स कर दिए सरकार ने कि आप इससे महंगा स्टेंट लगा ही नहीं सकते, पैकेजेस फिक्स कर दिए, आप सरकारी से कराइए आप गैर सरकारी से कराइए, वो रेट्स फिक्स कर दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि एक जो एक कॉमन सिटीजन है, जो एक हमारे देश का सामान्य नागरिक है, उसकी जिंदगी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने छुआ है जिस तरीके से, उसको जो उसका फायदा मिला है, वो एक सबसे बड़ा कारण है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के हमारे मुल्क में अब ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है ये नहीं रहा, सिटीजंस के बीच में हम लोग नहीं समझते इसको, पर पहले एक कारण बना दिया था सरकार ने, एक रीजन था हमारे पास कि एक डिवाइड क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, क्यों ये मेजोरिटी अपीजमेंट के ऊपर इतना फोकस था कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो फील करती थी कि साहब हम लोग इग्नोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और आज बल्कि पहले से ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं मेजोरिटी एजुकेशन के लिए। मैं आपको बताता हूं अगर भाई कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी की कोई लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसको तुरंत उसके खाते में 51,000 रुपए सरकार डालती है कि बेटा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूं अभी आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी सेलिब्रेशन थी उसमें आपने सुना होगा मोदी जी को, तो फ्लो ऑफ फंड्स एक रैशनलाइज्ड फ्लो ऑफ फंड्स है कि पैसा तो उतना ही है और धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उसका सदुपयोग यानी कि उसका बेटर यूज कैसे किया जाए एक रैशनलाइजेशन ऑफ स्पेंडिंग है, उसके तहत लोगों की जिंदगी को जो छुआ है ना सर, वो चीज है जो ये मोदी जी को मैं कहूंगा कि दोबारा सत्ता में लेके आई, सरकार में लेके आई। और हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा होता था कि MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिलके अपना PM चूज करते थे, यानी कि MP का उल्ट PM वो चूज करा करते थे, और अब पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे है मोदी जी की अब PM के नाम पे MP चुन के आते हैं।